हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। हिंदू धर्म में महाभारत को पांचवा वेद माना जाता है। कहते हैं कि महाभारत में एक अच्छा जीवन जीने की सारी विधियां लिखी गई है, लेकिन क्या हम महाभारत के बारे में जितना जानते हैं वो काफ़ी है? क्या युद्ध के बाद महाभारत खत्म हो गई? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि युद्ध के बाद महाभारत शुरू हुई थी, जिसमें छिपे रहस्य के आसपास भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। आज हम उन रहस्यों को आपके सामने पेश कर रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 18 का रहस्य। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस किताब के 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों तक गीता का ज्ञान दिया था। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षौहिणी थी और इस युद्ध में मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। ये 18 के आंकड़ों के पीछे का राज आज तक कोई नहीं समझ पाया है। अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था क्योंकि उसने युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। अश्वत्थामा के इस काम से श्री कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने वधों का पाप धोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू बहुत सी बीमारियों से पीड़ित रहेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जाती है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। विमान और परमाणु शस्त्र। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिले कंकाल में रेडिएशन का असर मिला था, जिसे लोग महाभारत से जोड़ के देखते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में परमाणु बम थे। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13-15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व अश्वत्थामा के जरिए छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। कौरवों का जन्म एक रहस्य। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए, लेकिन गांधारी के गर्भधारण के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए जिससे कौरवों की संख्या 100 हुई थी। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्री के लिए वरदान हासिल किया, मगर गांधारी को कोई बच्चा नहीं हुआ। गुस्से से भरी गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार लिया जिससे उसका गर्भ गिर गया। जैसे ही वेद व्यास को इस बात का पता चला, उन्होंने फौरन गांधारी को 100 कुएं खुदवाने को कहा, जिसमें उन्होंने घी भरवा कर मरे हुए बच्चे का अवशेष उसमें डाल दिया जैसे कौरवों का जन्म हुआ था। महान योद्धा बर्बरिक। भीम के पौत्र बार्बरिक का ये वचन था कि वो हारे हुए पक्ष से लड़ेंगे। बार्बरिक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने गए और दान में उनका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बार्बरिक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह बात मान ली। भगवान ने उस शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत का युद्ध देख सकें। राशियां नहीं थी ज्योतिष का आधार। महाभारत काल में ज्योतिष राशियों के आधार पर कुछ नहीं बताते थे क्योंकि उस वक्त राशियां नहीं थी। ग्रह और नक्षत्रों द्वारा इस काम को किया जाता था। विदेशी भी शामिल हुए थे लड़ाई में। महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। एक ओर जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका आदि के योद्धाओं ने लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। किसने लिखी महाभारत? ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास को कोई नाम नहीं बल्कि एक अवधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। महाभारत की रचना 28वें वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने की थी। इससे पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे। अभिमन्यु को किसने मारा?
लोग यह जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी, लेकिन यह सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी, जो कि दुर्योधन के बेटे थे, को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। 3 चरणों में लिखी महाभारत। महाभारत एक किताब है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ अनसुने रहस्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जय श्री कृष्ण। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो को आप लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जरूर क्लिक करिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। और जल्द ही हम आपके लिए एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।